Hey guys, welcome back to my channel. So a disclaimer before starting a vlog. ये वाला जो vlog आप देख रहे हैं ये काफी पुराना vlog है. Lockdown के पहले का vlog है जब सारी चीजें normalized थी और हम लोग just हमारे घर से वापस आए थे. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. और आज का जो vlog है ये बहुत ही random vlog है. हम लोग कल actually पहुंच गए थे भोपाल टू मुंबई एंड कल आने के बाद मैंने सब डस्टिंग वगैरह किया बट बहुत डीप क्लीनिंग नहीं किया, सिर्फ नीचे नीचे किया था. तो आज मैं पूरा घर क्लीन करने वाली हूँ. एंड आज हम लोग क्या अभी हम जा रहे हैं प्लांटर्स की शॉप पे प्लांट लेने के लिए, क्योंकि जो मैं भोपाल से इतने सारे प्लांट्स लेकर के आई हूँ ना, तो वो उसके लिए प्लांटर छोटा पड़ रहा है. उसके लिए रखने की जगह नहीं थी तो अब हम नए प्लांट्स के प्लांटर्स खरीदने जा रहे हैं. प्लांटर्स का मतलब होता है गमला शुद्ध हिंदी. तो हम ना नए प्लांट्स के लिए प्लांटर्स लेने के लिए जा रहे हैं इन शॉर्ट. और विकी बोला घर में जगह नहीं, घर में जगह थी, मैंने घर में जगह बना ली है. हाँ, अच्छे खासे 3000 की कुर्सी को बाहर लटका दिया है इन्होंने. तो हम लोग वही लेने के लिए अभी निकले हैं. और मैं घर से क्या क्या लेके, मैं मेजरली ना मेरे घर से मेरे इन लॉज के घर से दोनों की जगह से खाने पीने का ही सामान आया है. हर तरह के खाने की चीज़ें आई है. अभी हमारे पास इतना खाने का सामान है कि आज तो हम खाना ही नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास इडली है काफ़ी सारी, देन सब्जी रखी हुई है, रोटी रखी हुई है कल की, तो अभी उसको खाएंगे ही हम ही लोग खाएंगे. और घर का प्योर खाना बनता है तो उसको ना कहीं डालने का भी मन नहीं करता है, किसी को देने का भी मन नहीं करता है. और उसके बाद बाकी जो होली पे सामान बनता है, दोनों के घरों में सामान बना था बहुत सारा, तो आधा वहाँ से आया है, आधा मेरे घर से आया है. फिर उसके बाद हम लोग हल्दी लेके आए हैं तो मेरी MIL ने, मतलब मॉम इन लॉ ने हल्दी दी है क्योंकि दूध में डालने के लिए पूरी शुद्ध रहती है, प्योर रहती है. बाकी मिर्ची हमारे पास अभी भी रखी हुई है एंड घी लेकर के आए हैं, मेरे घर से घी आया है. 2-3 kgs घी है वो, 2-3 kgs घी है जो हम लोगों को आराम से 6-7 months तक लास्ट करता है. तो ठीक है, साल में 2 बार लेकर के आती हूँ मैं. और मेरे घर वाले तो ये भी पीछे पड़ते हैं कि दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ. वो तो इतना सामान, ये मैंने बोला ये सामान नहीं लेके जा सकते. जो मेन बेसिक थोड़ा सा है, घी हो गया, उसके बाद मसाले थोड़े मुझे लगता है कि वो भी प्योर होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, बाकी चल जाता है. कब तक लेकर के आएंगे ऐसे, तो बस यही है. और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. तो ये है अभी हमारे घर की कंडीशन, सब कर्टन्स वगैरह निकाल दिए गए हैं एंड अब बैग लेकर के आए हैं क्योंकि कल हमारा जो घर में ऑलरेडी खाने का सामान था वो ऑर्गेनाइज किया. अभी हम बैग लेके आए तो वो हटाएंगे और ये रहे सारे प्लांट्स जो मैं भोपाल से लेके आई हूँ. विक्की को तो पता ही नहीं था कि मैंने ये सारे प्लांट्स ले लिए हैं क्योंकि विक्की साथ में होता तो वो लेने ही नहीं देता मुझे. तो मैं लेके आ गई तब उसको पता चला कि ये लेकर के आई हूँ मैं. एंड जो मेरे फेक प्लांट्स हैं वो मैं अभी पैक करके उसको अंदर रख दूंगी, जब तक ये चल रहा है तब तक ये चलाऊंगी. उसके बाद फिर उनको जब निकालना होगा तो निकाल दूंगी. उनको अच्छे से वॉश करना है अभी मुझे, मैं आपको बताती हूँ. ये रहे वो फेक प्लांट्स और इनको अभी वॉश करना है. और भी काफ़ी क्लीन है क्योंकि उनको वॉश करती रहती हूँ. और यहाँ के भी कर्टन सब गायब हैं. तो इन शॉर्ट हमारे घर में अच्छी खासी तरीके से धुलाई चल रही है. ऑल दो ये वन वीक ही बंद था बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन होना चाहिए, एकदम स्क्विशी क्लीन, किसी में भी ऐसे धूल धूल वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, डस्ट वाली. सो यस,
एवरीथिंग इज वॉश्ड नाउ. ये कर्टन्स वॉश होके लग चुके हैं बिकॉज इतने पतले हैं कि वो वही सूख जाते हैं. एंड देन ये कर्टन इस गेट का है तो सारे कर्टन्स उनकी जगहों पे लग रहे हैं. एंड एवरीथिंग इज क्लीन नाउ. और ये वाले कर्टन्स अब बस यहाँ पर लगाना है और बाकी फिर पूरा घर हमारा क्लीन हो जाएगा. फिर वील टेक शार एंड वील स्लीप फॉर श्योर. देखो जरा विक्की को, हम लोग जा रहे हैं सब्जी भाजी लेने के लिए. पीछे हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता है कि किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं. भाई मुंबई में अभी सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में है. और दूसरी चीज यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को कितना अनहाइजीनिक लोग रहते हैं. लोगों को ये नहीं पता है कि हाइजीन प्रैक्टिस क्या होती है, क्या होता है. ऐसे करके नहीं छींकना होता, मुंह पे छींक देते हैं. मुंह पे छींक दिया, मुंह पे खांस दिया, स्नीज कर दिया, कफ कर दिया. अभी आप कैसे बचो कैसे लोगों से भाई. सो वी आर डूइंग आवर प्रोटेक्शन. तो अभी मेरा सब कुछ काम जो है वो फिनिश हो गया है. सारी चीज़ें बन चुकी हैं, मैं पूरे काम से फ्री हो चुकी हूँ. एंड अगर मैं वो तो आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठी, कल रात में हम सीरीज़ देख रहे थे तो मैं काफ़ी लेट उठी. लेट मतलब मैं 8 बजे उठी हूँ. वैसे मैं 7:30 तक उठ जाती हूँ तो 8 o'clock तक मेरा सारा पर्सनल काम हो जाता है, फ्रेशन अप होना. एंड 8 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो 9:30 तक ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है. तो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पोस्ट डालती हूँ बिकॉज मेरे लिए दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन थिंग. मतलब मैं डेली इतना सारा खाना नहीं बनाती हूँ, बट अभी मैं बना रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मैंने अपनी मेड को छुट्टी दिया है. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छुट्टी दिया है तो मैं उसको पैसा पे नहीं कर रही हूँ. आई हैव गिवन हर पेड लीव्स. मुझे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर मेड्स, तो मैंने जितने भी मेरे हेल्पर हैं उन दोनों को पेड लीव्स दिया है. एंड मैंने उनको पहले ही पैसे रिलीज कर दिया, मतलब मंथ खत्म होने के बाद. अदरवाइज हम लोग पैसे रिलीज करते हैं उनके, बट मैंने पहले ही उनको दे दिया है बिकॉज यू नो हम लोग जैसे विक्की हो गया, उसको घर में वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो डेफिनेटली कंपनीज उनको उतना ही पे करती है ना. सो वी शुड गिव दैम, उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है. इसी से उन लोगों का घर रन होता है, वो कैसे खाएंगे कैसे पियेंगे. हम लोगों ने तो फिर भी 1.5 मंथ का हमारे पास सामान स्टोरेज है. ये लोग तो बेचारे 5 दिन का खाना खरीदते हैं और खाते हैं. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉकअप मत करिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कराइए. दूसरों के लिए भी चीज़ें छोड़िए बिकॉज बहुत सारा जो सामान है वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है. एंड आई एम वंडरिंग कि चलो हमारी दाल चावल ये सब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, तो यार जो गरीब इंसान है उन लोगों का भी थोड़ा सोचो. और नहीं तो उनके लिए आप खुद ला करके प्रोवाइड कर दो, मतलब कुछ तो आप हेल्प करो. येस दैट्स इट, आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. एंड अभी जस्ट मेरे पास एक ये बड़ा सा पार्सल आया है, आपको ये दिख रहा है. तो ये बहुत ही अमेजिंग सी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसको मैं अभी एक और ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, उसमें दिखाऊंगी आप लोगों के साथ. काफ़ी सारे ब्लॉगिंग के मूड में हूँ तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर ब्लॉग फ्रॉम हियर. तो उसको पूरा इंस्टॉलेशन और जो भी है विक्की ने मंगवाया है, विक्की की ही चॉइस है. विक्की ने ही सर्च किया है, उसने मुझे भेजा, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने बोला देख लेते हैं मंगवा लिया जाए, देखते हैं क्या आता है.
तो बहुत अच्छी चीज़ है और देखना ज़रूर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में. एंड येस दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.